Hello friends, in this video segment we will discuss about the modification of leaves under the chapter morphology of flowering plants. Aur ye morphology of flowering plants ka lecture 12 hai. To leaf mein kya modification hoti hai isko hum log yahan pe discuss karenge. To aaiye dekhte hain isko. What are the different modification that perform other function than the photosynthesis. तो लीफ का मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन क्या अदर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करके, किस तरह से प्लांट को हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे. तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में अ फ्यू काइंड्स ऑफ लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस. ये एक जनरल टर्म है. नेक्स्ट है लीफ स्पाइंस. तो पहला लीफ का मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीफ स्पाइन. लीफ स्पाइन में यहां पे एग्जांपल आपको दिख रहा है बर्बेरिस एंड ओपुंटिया. तो ओपुंटिया या बर्बेरिस या कैक्टी में लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीफ मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि ये जो आपको यहां पे फोटोसिंथेटिक ये दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलोक्लैड, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और यहां लीफ मॉडिफाई होकर स्पाइंस का फॉर्मेशन कर लेती हैं. तो ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस. डेजर्ट में वाटर जब बहुत कम होता है या ऐसे इन्वायरमेंट में जहां वाटर कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो वहां पर लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है स्पाइंस में. The spines act as defensive structure. और ये spine defensive structure की तरह act करती हैं ताकि grazing animals इनको जो है अपना भोजन ना बना लें. Example इसका है cacti. दूसरे तरह का modification हम लोग देखते हैं that is leaf tendril. तो इसके पहले हम लोगों ने stem tendril के बारे में discuss किया था जब stem modification हम लोग देख रहे थे. Now it is leaf tendril और leaf tendril में पहला है the P family have tendrils that are formed from the leaflet of the compound leaves. तो आपको P में compound leaves, pinnately compound leaves मिलती हैं. Pinnately compound leaves के terminal position पे leaf नहीं होती और ये leaf modify होकर terminal position पे कोई भी branch होगा, कोई भी stem की branch हो या stem हो, उसका जो terminal leaf होता है वो इस ये tendril में modify हो जाता है in the P family. तो formed from the leaflet of the compound leaves, compound leaf से बनता है. तो यहां पे स्वीट पी इसका एग्जाम्पल है. स्टिप्यूल्स, तो मैंने आपको स्टिप्यूल्स के बारे में बताया था कि जहां पे बेस होती है लीफ की, लीफ बेस पे कुछ लीफी स्ट्रक्चर होती हैं, शार्ट लीफी स्ट्रक्चर होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स. एंड व्हेन दीज स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल देन इट इज कॉल्ड स्टिप्यूल टेंड्रिल. तो ये भी एक लीफ टेंड्रिल का ही, लीफ का ही पार्ट है, इसलिए इसको जो है इसमें रखा गया. स्माइलेक्स इसका एग्जांपल है जहां पे स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. थर्ड है लीफ टिप इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन ग्लोरियोसा. व्हेन लीफ जो है खुद ही मॉडिफाई होकर, लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बना ले. जनरली ये टेंड्रिल करते क्या है, ये जनरली क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. प्लांट्स दैट आर क्लाइंबर्स, उसमें वो क्लाइंबिंग में ताकि होल्ड करके उसको पकड़ के वो आगे मूव कर सके. तो व्हेन लीफ टिप इज मॉडिफाइड, तो ये लीफ टिप कहां पे मॉडिफाइड हो जाता है, ग्लोरियोसा में. एंड द लास्ट वन इज द एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. ये कोई जरूरी नहीं है कि वो टर्मिनल लीफ हो, कहीं से भी अगर लीफ स्टेम में मॉडिफाई हो जाती है तो एंटायर लीफ जब टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाए. तो इस ये एग्जाम्पल लेथाइरस का है. तो यहाँ लेथाइरस में आपको जो है कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो नीचे की पोजीशन से भी हो जाती है. जबकि आपने स्वीट पी में देखा कि वो केवल टर्मिनल लीफ मॉडिफाई हो रही है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे लीफ हुक्स के बारे में. तो यहां पे जो टर्मिनल थ्री लीव्स होती हैं, टर्मिनल मतलब एक ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ, ये टर्मिनल थ्री लीव्स मॉडिफाइड टू हुक्स और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो कहीं पे भी इसको हुक लाइक स्ट्रक्चर से आगे की तरफ क्लाइंबिंग कर सके. तो ये लीफ हुक्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये लीफ हुक्स है. टर्मिनल थ्री लीव्स चेंज इनटू द हुक्स.
इट इज एलिगेंट क्लाइंबर्स, और ये एलिगेंट क्लाइंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल है बिग्नोइया उंगिस कैक्टी। तो एज द नेम सजेस्ट, देखिए किस तरह से बिल्कुल बिल्लियों की नाखून की तरह होता है ताकि वो कहीं पे भी क्लाइंब कर सके। तो इसका नाम भी बिग्नोनिया उंगिस कैटी, कैट की उंगलियों की तरह है, इसका नाम भी दिया गया। नेक्स्ट है फाइलोड, बहुत ही कंफ्यूजिंग है फाइलोड और फाइलोक्लैड। क्लैड मींस होता है ब्रांच, उसको मैंने स्टेम में बताया है। तो वो जब स्टेम का मॉडिफिकेशन हो तो उसको फिलोक्लैड कहते हैं, और व्हेन लीफ इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैसी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइलोड। तो फाइलोड आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखिए ये पेटियोल है, एग्जैक्टली ये पेटियोल है। पेटियोल इज मॉडिफाइड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैसी स्ट्रक्चर, और यहां से इसकी लीफ निकलती है। एक्चुअली दीज लीव्स आर, ये लीव्स गिर जाती हैं अक्सर, और आपको केवल ये पर्टिकुलर पेटियोल ही दिखता है जो फ्लैसी दिखता है। दिस इज अ टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग फिलोड कहते हैं। फिलोड इज द मॉडिफाइड पेटियोल और रैकिस। फिलोड मॉडिफाइड पेटियोल या लाइक रैकिस है, ये स्टेम नहीं है। फाइलोक्लाइड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि फाइलोड लीफ का मॉडिफिकेशन है। इट इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है फोटोसिंथेसिस के पर्पस परफॉर्म करने के लिए। तो जो ये फिलोड है, फिलोड इज द मॉडिफाइड पेटियोल। एग्जाम्पल है एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही अक्सर पूछता है फाइलोड का, एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। या कभी ये पूछेगा कि फाइलोड स्टेम मॉडिफिकेशन है कि लीफ मॉडिफिकेशन है, ये दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। थर्ड है सकुलेंट्स। तो सकुलेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, ये सकुलेंट स्ट्रक्चर इसलिए बनते हैं ताकि जो वाटर का लॉस हो वो कम से कम हो प्लांट से। तो ऐसे वाटर की लॉस कंडीशन कहां पे आएगी, जहां पे वाटर की कमी होगी। तो इन द ड्राई एनवायरमेंट सम प्लांट्स हैव सकुलेंट लीव्स। सूखे एनवायरमेंट में, शुष्क एनवायरमेंट में आपको सूखे एनवायरमेंट में ये जो है सकुलेंट प्लांट्स आपको मिलते हैं। दे हैव अ लोअर सर्फेस वॉल्यूम रेशियो। सर्फेस और वॉल्यूम का रेशियो, ऐसे अगर आप कोई लीफ लें तो उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम होगी और सर्फेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि लो सर्फेस वॉल्यूम रेशियो होता है। तो हैव लोअर सर्फेस वॉल्यूम रेशियो, सर्फेस और वॉल्यूम का रेशियो कम होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। फ्लैसी स्ट्रक्चर होने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ता है, सर्फेस एरिया कम, इनकम्पेरेटिवली कम होती है। वाटर स्टोरेज टिश्यू मेक दीज लीव्स अपीयर फ्लैसी, और वाटर को स्टोर करने वाली टिश्यू इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके कारण ये फ्लैसी नजर आता है। इसका एग्जाम्पल है एलोए, एलोए इसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ मॉडिफिकेशन। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड माई रिक्वेस्ट टू शेयर इट टू द नीडफुल एस्पिरेंट्स। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि मेडिकल वर्ल्ड चैनल पे आप जो है नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको मटेरियल मिल सकता है, मटेरियल मिलता है, वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट है। तो इन द लास्ट, धन्यवाद।